नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भावसार, आपका दोस्त, आपका होस्ट टीम इंदौर HD से। और हर साल की तरह टीम इंदौर HD आपको लेकर आई है माटी फेस्टिवल में। इस माटी फेस्टिवल का यह 4th एडिशन है। यहाँ पर काफ़ी सारे शिल्पकार आपको अपने हाथों से बनी हुई मिट्टी की काफ़ी कलाकृतियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन कलाकारों से, इन शिल्पकारों से कि किस तरह बना है ये माटी की अलग अलग वस्तुएँ और किस तरह के थॉट दिए गए इन वस्तुओं को बनाने के लिए। आइए। फेस्टिवल एक्चुअली दिस इज़ द 4th एडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल एंड हम लोग ने ये अराउंड 2017 में शुरू किया। फर्स्ट ईयर तो दो किए थे हमने इवेंट्स एंड एवरी ईयर वी आर डूइंग वन इवेंट एवरी ईयर। एंड बेसिकली हम लोग का ये हम लोग सब स्टूडियो पॉटर्स हैं, वी आर नॉट प्रोफेशनल पॉटर्स। सो इट्स बिकॉज ऑफ आर पैशन टूवर्ड्स क्ले दैट वी आर क्रिएटिंग स्टफ एंड वी आर अ ग्रुप पुट टुगेदर कम टुगेदर टू यू नो एग्जिबिट जो हम बनाते हैं। एंड आई ऑल्सो ओन अ स्टूडियो, आई हैव अ पॉटरी स्टूडियो, तो स्टूडियो में भी काम होता है, पीपल कम वर्क हियर एंड एग्जिबिट भी करते हैं। मेरे लिए दूसरा साल है एग्जिबिशन का, माटी फेस्टिवल का। और मेरे ख्याल से जब एक ही मंच पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं तो हम एक दूसरे के काम से भी सीखते हैं और एक दूसरे के साथ में होते हैं तो ज़्यादा इंथुजियाज़म से काम करते हैं। और ये एक ऐसा क्रिएटिव काम है कि जिसको करते करते शुरुआत करते हैं तो पता नहीं होता है क्या बनेगा, बट द होल प्रोसेस इज़ सो इंजॉयबल। और उसके बाद में जब लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने इस बार मिट्टी और लकड़ी दोनों का प्रयोग साथ में किया है, और लकड़ी भी ऐसी कि जो वेस्ट वुड है तो उसको रिसाइकल करके कुछ चीज़ें बन सकें उस हिसाब से। मेरा नाम रिमी होलकर है और मैं पिछले 8-10 सालों से शायद मोदिता दी के साथ काम कर रही हूँ। मोदिता जो दी हमारे मेंटर हैं और अभी एक्सप्लोरेशन वाला सीन चल रहा है तो हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करती हूँ। दिस टाइम अभी मैं वर्टिकल्स पे काम कर रही हूँ तो ये सब वर्टिकल्स सारे फॉर्म हैं। और पिछले साल मैंने कुछ सर्कुलर इस तरह के काम पे शुरू किया था काम करना। अब इसके पीछे इंस्पिरेशन ये है कि बेसिकली मेरे लिए ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो जो मूड जो जोन रहता है उस समय एक्सप्रेशन का, तो आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। सर, ये टेराकोटा आर्ट ही बनाते हैं हम लोग, हमारा बुंदेली कलाकृति बनाते हैं हम लोग, जैसे बुंदेलखंड पे, तिप त्योहार पे जो भी टेराकोटा में बनाते हैं वो ही लेकर आए हैं हम लोग यहाँ पर। हाथी हैं, घोड़े और तरह तरह के जो मतलब खिलौने हैं सभी चीज़ लेकर आए हैं। तो पहली बार आए हैं यहाँ इंदौर, पहली बार माटी फेस्टिवल है ये, मैडम जी ने लगाया है, चित्रा मैडम जी ने, तो उन्होंने हमको बुलाया और हम आ गए यहाँ। और अच्छा हमको लग रहा है यहाँ कि मतलब हाँ अच्छा है, इधर सभी आर्टिस्ट भी मिले हुए परिचित के हैं, कुछ नए नए हैं सब आर्ट है, मतलब टेराकोटा आर्ट, पॉटरी आर्ट सब देखने के लिए मिलते हैं। और बहुत पहले से पिताजी करते आए हैं और हम लोग भी करते हैं, इस पर हमको अवार्ड भी मिला है। जैसे ये चक्की पीसती हुई महिला है, ये चक्की, इस पर है जो मतलब हमको अवार्ड मिला है, जिला अवार्ड। मैं 6 to 8 years से माटी में काम कर रही हूँ एंड ये हमारा 4th एग्जिबिशन है जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। एंड हम लोग का काफ़ी अच्छा ग्रुप है एंड वी स्टार्टेड एज एमेच्योर्स और अब हम टूवर्ड्स आर्ट बढ़ रहे हैं इस फेस्टिवल को लेकर। एंड काफ़ी सारे हर किसी का काम बहुत डिफरेंट है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि किसी का भी काम किसी से क्लैश नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी USP है हमारी, बिकॉज हर किसी के अंदर से एक अमेजिंग आर्टिस्ट बाहर निकल रहा है एंड ओवर द 4 years हमने काफ़ी ग्रो किया है। आई एम यूजुअली जस्ट इंस्पायर्ड एंड बाय नेचर एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हूँ। और जैसे ही मैंने देखा कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं अपनी ज्वेलरी में, दे वॉन्ट टू वेयर फैंसी थिंग्स बट दे डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट नेचर, सो आई केम अप विद द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल ज्वेलरी एंड दैट इज़ व्हाई माई ज्वेलरी इज़ इन क्ले। मेरे जो डिस्प्ले में ऑब्जेक्ट्स हैं
मैंने व्हील से बनाया और उसके बाद उसके साथ जो खेल थोड़ा सा किया है उसके साथ जो मुझे एक मज़ा आया आकारों को मिलाने का, बस वही भर है। मैंने जो बनाया है ये टेंपल रेलिक्स हैं, पुराने टेंपल्स के, जैसे हम कभी विजिट करने जाते हैं तो कुछ कुछ टूटे पीसेस कहीं कहीं मिल जाते हैं हमको, तो उनके कलर्स थोड़े वॉर्न ऑफ रहते देख हैं, सकते हैं मैं इसको। हाँ बिल्कुल, ये सारे ही उसी तरह के हैं, ये वो शंख, ये सारे टेंपल रेलिक्स हैं। दिस एकदम ट्रेडिशनल डिजाइंस हैं, पुराने जो मंदिरों में कार्व्ड होते थे और इस तरह के कॉलम्स होते थे मंदिरों में, वो आई हैव ट्राइड टू कैप्चर दिस थिंग। मेरा नाम अनुश्री दुबे है और माटी फेस्ट से मैं इसकी शुरुआती समय से ही जुड़ी हुई हूँ, और ये स्टूडियो अकीरा जो कि सुचित्रा मैडम का है, इसमें हम लोग एक हमारा एक पॉटर्स का ग्रुप है जिसमें हम लोग सब मिलकर अपना एनुअल शो एक करते हैं, और मैं पहले पेंटिंग करती थी लेकिन अब मैं पूरे समय माटी का ही काम करती हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करने में। बैंगलोर क्ले स्टेशन इज़ द प्लेस वेर आई हैव लर्नड पॉटरी फ्रॉम, सो आई वॉज डूइंग एनी वेज टेबल वेयर, सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ लॉट ऑफ टेबल वेयर विद टेराकोटा, बिकॉज अर्लियर आई हैव डन टेबल वेयर विद ग्लेजेस ऑन हाई टेम्परेचर। लाइक लास्ट ईयर आई क्रिएटेड an entire series of florals on wheel because I do a lot of my work on wheels, so this time it's tableware in one of more editions. I have done a lot of brushwork with slips, so every time I try to create new things. Main to bas haath mein mitti leti hu aur jo ban jaye aisa thought process leke kuch nahi karti. Hum kitna enjoy karti hai aap is process ko? Enjoy to bahut karti hu kyunki it's like a meditation. इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे कुछ होश ही नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ, घर पे हूँ कहाँ हूँ। सुचित्रा बहुत कीन थी कि एक स्टूडियो ऐसा स्टार्ट करें जहाँ पे सब लोग काम कर सकते हैं आके, मैंने जो सीखे हुए हैं वो लोग भी आके काम कर सकें। मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं मोस्टली आर्किटेक्चर और फॉर्म के साथ काम कर स्पेस के साथ काम करती हूँ, तो आई इन्जॉय प्लेइंग विद स्पेस एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म्स एंड जनरली फॉर्म्स। तो एक सिंपल फॉर्म था, क्यूबिकल फॉर्म था, और उसमें क्योंकि आप जैसे ही आप वायर को एंगेज करते हो तो आसपास की स्पेस भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ऑल्सो देयर टू डिफरेंट मटीरियल्स तो उनका जो एंगेजमेंट रहता है वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसे आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट लेके कोई प्लान नहीं था करने का, बट टू प्ले विद स्पेस फॉर्म एंड मटीरियल। और मेरे लिए मोस्टली क्या है कि मैं गार्डन या वरांडा या टेरेसेस से बेस्ड चीज़ें बनाती हूँ, तो जो भी चीज़ बनाती हूँ वो सब बाहर लगाने के लिए, वॉल्स पे हैंग करने के लिए, ट्रीज़ के नीचे टांगने के लिए बनती हैं, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। मैं भारतीय साहित्य से, भारतीय पुरातत्व से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मेरे ज़्यादातर काम उसी के आसपास घूमते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, जैसे पिछली बार आपने अगर देखा हो तो मैंने कबीर को अनुवाद करने की कोशिश की थी अपने मिट्टी के मीडियम में। इस फेस्टिवल की जो सबसे यूनिक बात है कि काम में कॉन्टेम्प्रेरीनेस पूरी है, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट हैं वो सब कॉन्टेम्प्रेरी हैं, तो आज का जो आर्ट वर्ल्ड है, आज का जो टेराकोटा का वे चल रही है उसमें कॉन्टेम्प्रेरी अच्छे आर्टिस्ट के रूप में इस्टेब्लिश है। पर इस माटी फेस्टिवल की जो सबसे बड़ी बात यह है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सी जगह डिस्प्ले देखे हैं पर जो डिस्प्ले की यूनिकनेस है, जो एक अद्भुत तरीके से नेचर को, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को और करके और जिस ढंग से हर एक का शिल्प एग्जिबिट किया गया है, वो अपने आप में मेरे ख्याल से एक यूनिक स्थान को रखता है।
दोस्तों इस माटी फेस्टिवल 2019 में आकर और काफ़ी सारे मिट्टी से जुड़े हुए आर्ट फॉर्म्स को देखकर मुझे यह कबीर की लाइन याद आ रही है कि माटी कहे कुमार से तू का रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो दोस्तों इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आपको अगर इस माटी फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए एड्रेस पर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस मिट्टी से जिससे पूरा जीवन बना हुआ है। सभी तरह के लोगों की काफ़ी मेहनत है इस फीस के पीछे। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। थैंक यू। मैं अभिषेक भावसार टीम इंदौर HD से आप सभी को अंत में कहूँगा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and never miss another update from Indore HD.